हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको 10वीं के बाद क्या करना है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो समझ ही नहीं पाते कि हमें आगे 10 पास कर लेते हैं और इसके आगे हमें क्या करना है, कैसे पढ़ाई करना है, किस क्षेत्र में हमें कौन सा बेनिफिट होगा, किस क्षेत्र को पढ़ाई करने से गवर्नमेंट जॉब में हमें अप्लाई करना है। इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाएंगे। तो पहली बात हम करते हैं कि 10वीं के बाद क्या करें। तो लोग, आपने अभी तक अपनी स्कूल की पढ़ाई में बहुत मौज मस्ती की, हंसी मजाक किया, पूरी जब तक आपने 10वीं कक्षा की पढ़ाई की तो ज़्यादा आपने रुचि नहीं ली पढ़ाई में, मौज मस्ती के साथ आपने पढ़ाई की। लेकिन अब आपको अपने बेहतर भविष्य की चाहत है, पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप किस सब्जेक्ट में आगे की पढ़ाई करें, कौन सा सब्जेक्ट लें जिससे आपका फ्यूचर अच्छा हो सके। तो हमारा आज का ब्लॉग 10th के बाद क्या करें आपकी मदद करेगा, जहां हम आपको बताएंगे कि आप 10th के बाद क्या करें। तो आइए शुरू करते हैं। 10वीं के बाद मुख्यतः 3 विकल्प होते हैं, जिनमें से हमें किसी एक को चुनना होता है, और ये 3 निम्न हैं: आर्ट्स, कला वर्ग जिसे हिंदी में कहते हैं, साइंस विज्ञान वर्ग होता है, और कॉमर्स एक वाणिज्य वर्ग होता है। अब हम इन 3ों की अलग अलग टिप्पणी करेंगे जो निम्नवत है। 10वीं करने के बाद चुना जाने वाला सबसे प्रसिद्ध विषय आर्ट है। इसे वे विद्यार्थी चुन सकते हैं जिनके 10वीं बोर्ड में 50% या इससे कम मार्क्स आते हैं। इसमें आपको कई प्रकार के विषय पढ़ाए जाते हैं, जिनमें से कुछ निम्नवत हैं, जैसे भूगोल, ज्योग्राफी, राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी बोलते हैं, मनोविज्ञान, इसको साइकोलॉजी बोलते हैं इंग्लिश में, इतिहास, हिस्ट्री होती है, अंग्रेजी, इंग्लिश, दर्शन शास्त्र, फिलोसफी होती है, और ड्राइंग, कला जिसे बोलते हैं। ये सब्जेक्ट हैं आर्ट्स के। अगला, साइंस वर्ग। इसमें वे विद्यार्थी चुन सकते हैं जो पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा तेज होते हैं। बच्चे भी कई प्रकार के होते हैं, कुछ निम्न वर्ग के होते हैं, कुछ हाई वर्ग के होते हैं। वर्ग का मतलब हमारा किसी जाति समुदाय से नहीं है, पढ़ने से रिलेटेड है, शिक्षा से रिलेटेड है। यह विषय थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए साइंस को पढ़ने के लिए आपको 10वीं में 50% से ज़्यादा अंक लाने होते हैं। साइंस वर्ग के भी 2 भाग होते हैं। मेडिकल नंबर 1 होता है, अगर आपको डॉक्टर या साइंटिस्ट बनना हो तो इसे ही आपको साइंस वर्ग ही चुनना होगा। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ साथ बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, नॉन मेडिकल, टेक्निकल, और अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आप इसे चुन सकते हैं नॉन मेडिकल को। नॉन मेडिकल में टेक्निकल साइड होती है, इसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ्स पढ़ाई जाती है। अब अगला, अंतिम, कॉमर्स वर्ग होता है। इस क्षेत्र में बैंक के क्षेत्र की पढ़ाई कराई जाती है, बिजनेस के तौर पर, जैसे MBA के क्षेत्र में जो बच्चे जाना चाहते हैं बिजनेस में, तो ये कॉमर्स एक साइड है। कॉमर्स आर्ट के बाद लिए जाने वाला दूसरा सबसे प्रसिद्ध विषय है। इसे वे विद्यार्थी चुन सकते हैं जिनके 10वीं में 40% या इससे ज़्यादा मार्क्स आए हैं, और अगर आपकी रुचि बैंकिंग सेक्टर में है तो आप इसे चुन सकते हैं। इसमें कोई दोरा नहीं है। इसमें आपको निम्नलिखित सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे, जैसे अकाउंटेंसी हो गई, बिजनेस स्टडीज हो गई, इंग्लिश हो गई, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स। इंग्लिश और अकाउंटेंसी, इनमें से मैथ के साथ साथ ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं।